सो व्हाट्सअप गाइस, ठग बाय हियर। तो आज हम बात करते हैं कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल के बारे में। आपको पता होगा कैरी मिनाटी ने अपने रिसेंट वीडियो में रजत दलाल को रोस्ट किया है एंड रजत दलाल भी कैरी मिनाटी को रिप्लाई दिए थे। बेसिकली वो कैरी मिनाटी को उस वीडियो से उनके पार्ट को कट करने के लिए कह रहे थे, तो कैरी मिनाटी ने रजत दलाल के उस पार्ट को कट कर दिया एंड उन्होंने वीडियो का थंबनेल भी चेंज कर दिया। ऑल्सो वो रजत दलाल को अपोलोजाइज करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑल्सो कैरी मिनाटी ने जो स्टोरी पोस्ट किया अपोलोजाइज करते हुए, उस पर रजत दलाल रिप्लाई किए। वो कैरी मिनाटी के स्टोरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखे, रिक्वेस्ट चलो कोई बात नहीं, तगड़े होने पे ध्यान दो। एंड रजत दलाल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किए, आप देखिए। कैरी को इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ ये चीज समझनी चाहिए कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी को डिफेम कर रहा है वो इंसान को। आपने एक शब्द यूज करा छपरी, 3 महीने की कॉन्ट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। एक सीडी वाइज सीट बता रहा हूं, मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल है। 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूं, बहुत जबरदस्त, जो बढ़िया चलेगा और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पे पैर नहीं रख सकते। बकलोली करने से ना अवार्ड मिलते हैं, मेडल नहीं मिलते। तो आगे से कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार आप देख लेना बोल क्या रहे हो। और एक चीज आई थी कि रिक्वेस्ट भाई अगले दिन तक थी, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया था और ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से आपने मैच्योरली बहुत अच्छे से सही ऑप्शन चूज करा। कुछ लोगों ने बोला ना भाई ने मैच्योरली बिहेव करा, फेम नहीं देने की कोशिश करी, तो ये इतना बड़ा अभी हुआ नहीं है कि मैं इससे फेम चूसूंगा। करना होता ना तो फिल्म बना के खूब बढ़िया फेम भी ले लेता। तो भाई 10 साल 12 साल से जो तुम्हारा भाई मैच्योर नहीं हुआ था, भाई ने उसको मैच्योर कर दिया। शायद पहली बार ही सॉरी बोला है ऐसा सुनने में आया है। अगर मेरे पे या मेरे किसी एथलीट भाई पे तुमने कोई रोस्ट बनाया या तेरे किसी भाई ने रोस्ट बनाया, तो अभी हमने प्यार से बात करी है, मैंने अगली बार हाथ देके बात करेंगे। और अगर किसी को बहम हो तो मिटवा लेना, हम कम्पिटेटिवली आपस में कितना भी लड़ सकते हैं। और तुम्हें अगर बहम सही में अब भी हो ना तो एक स्टोरी डाल दो, ही सार्कास्म दिखा दो, ह्यूमर दिखा दो, 20 से लेकर 120 तक तेरी हार्ट बीट का लेनी रानी है तुम जैसों की, वो मेरे हाथ में। ऑल्सो कई सारे यूट्यूबर्स भी रिएक्ट करे कैरी मिनाटी के ऊपर। सबसे पहले धीरो मौंजिक अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। भाई इतना गंदा मूड खराब हो रहा ना मेरा, मैं कसम से बता नहीं सकता। भाई कल से शूट कर रहा, मैं कल से एडिट कर रहा वीडियो रजत दलाल और कैरी मिनाटी के बसड़ पे। अब भाई इनका सॉल्व हो गया, उसने अपनी वीडियो का पार्ट ट्रिम कर दिया जिससे रजत को दिक्कत हो रही थी। अब मैं मेरी वीडियो का क्या करूं? इसके बाद लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट भाई भी इसके बारे में बात किए, वो एक ट्विटर स्पेस बनाए थे, आप देखिए। सम्राट भाई आपने वो देखा अभी वो जो है मतलब रजत दलाल उनका कैरी मिनाटी पर रिएक्शन आया वीडियो पे। लक्ष्य भाई का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? अरे ऐसे ही कर रहे हैं रजत, कुछ ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। नहीं तो भाई थोड़ा उसको आप एलोबरेट करिए, क्या है लोगों को नहीं समझ आता है क्या कर रहा है रजत, क्यों कर रहा है और ऐसा? ऐसे ही कर रहा है भाई, वो भी खाली है वीडियो। पहले तो मैं सोच रहा हूँ मतलब आप कैरी ने, ये देखो तुम कैरी ने कब जाके देव त्यागी पे वीडियो बनाई, वो तब से इनएक्टिव ही है, ऐसा भी नहीं कि वायरल चल रही है। अच्छा सम्राट भाई उसमें एक चीज और हुआ है ना कि जैसे वो डिलीट कर दिया तुरंत, रजत ने तुरंत डिलीट भी वीडियो अपनी डिलीट कर दी इंस्टाग्राम स्टोरी से। वो तो आदत है भाई की, थोड़ा गाली पड़ना शुरू होते हैं डिलीट कर दे। नो डाउट कैरी ने अभी इस टाइम पे इस टॉपिक को क्यों उठाया मुझे समझ नहीं आता, जबकि उसके पास और भी अच्छे थे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि कैरी डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करता, रजत दलाल खुद ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। ऑल्सो गाइस आशीष चंचला ने भी ट्रोल किया कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल के कंट्रोवर्सी के ऊपर। वो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे, सोच रहा हूँ कंट्रोवर्सी करके ही चैनल चलाऊ। इसके बाद वो बोन बम को टैग करके स्टोरी पोस्ट किए, आप देखिए। किसके साथ लफड़ा करूं, क्या स्क्रिप्ट बनाऊं जिससे लगे कि सबको जेन्युइन है लेकिन एकदम मजा आ जाए, इंटरनेट पे एंगेजमेंट आ जाए। हर्ष को रोस्ट कर चुका हूँ, कैरी बिजी है, भुवन को करता हूँ, भुवन और मेरा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, स्क्रिप्ट करता होगा इस कंट्रोवर्सी, मज़ा आएगा।
इसका बोन बम रिप्लाई किए तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता इसलिए सॉरी एंड लव यू। तो गाइस अब बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या थारा भाई जोगिंदर ने फुकरा इंसान को एक्सपोज कर दिया? आपको पता होगा फुकरा इंसान ने अपनी स्टोरी में थारा भाई जोगिंदर को ट्रोल किया था। बेसिकली वो अपनी स्टोरी में थारा भाई जोगिंदर का डिस्ट्रैक डाले थे जो कि उन्होंने पास्ट में बनाया था। तो थारा भाई जोगिंदर फुकरा इंसान को रिप्लाई देते है, वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे जहां पर वो फुकरा इंसान के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं। जली ना चल तेरा इतिहास बताता हूँ आज, अपना YouTube चैनल खोल और नीचे की वीडियो जाके चेक कर, तूने थारा भाई जोगिंदर के नाम पे कितनी वीडियो अपलोड की हुई है। तूने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक निकाला ताकि तू फेमस हो जाए इंडिया के अंदर। तू बिग बॉस गया उससे जाने से पहले तूने मेरे को कितनी कॉल की, जोगिंदर भाई मेरे को तुमसे मिलना है, मेरे को तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, तुम पैसा बताओ। मैंने तेरे को क्या बोला, मेरे को तेरे साथ कोलैब नहीं करना। तू बिग बॉस जा रहा था, मेरे को पता था, मैंने तेरे को कॉल करके पूछा कि भाई बिग बॉस जा रहा, तूने बोला नहीं। मैंने बोला तू जा, तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा गेम खेलेगा। और बिग बॉस के जाने से एक दिन पहले भी मैंने तेरे को आगे से कॉल करके यही बोला था कि भाई तू जा, तू मना क्यों कर रहा है। और बिग बॉस के आने के बाद तेरे को ऐसा लगने लग गया कि तू बहुत बड़ा स्टार बन गया। तू थारा भाई जोगिंदर के सामने कभी भी स्टार नहीं बन सकता, तेरे को 20 साल लग जाएगी फिर भी थारा भाई जोगिंदर जितना नाम नहीं कर पाएगा भारत के अंदर। मैंने लोगों की मदद की है, मैं पहले भी लोगों की मदद करता था, मैं आज भी लोगों की मदद करता हूं। तुम्हारे घर तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे फैन तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम्हारे पापा उनको वहां से भगा देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, पूछ अपने पापा से जाके। तुम्हारे गली का जो गार्ड है उसके खुद के वर्ड है कि इन लोगों के अंदर बहुत घमंड है, ये लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि हमारे घर कोई नहीं आना चाहिए। अबे जिन लोगों ने तुम्हें स्टार बनाया, जब तुम उन लोगों से नहीं मिलते तो तुम अपने आप को स्टार कैसे बोल सकते हो। जो गाना तूने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ है ना, ये गाना YouTube पे दिखना नहीं चाहिए मेरे को। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने ही अपडेट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही थक भाई को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको YouTube कम्युनिटी से जुड़े इंटरेस्टिंग न्यूज मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।